है माता रानी, ये भी तो किसी का बच्चा होगा, इसे जल्दी से ठीक कर दो, इसकी जान बख्श दो। आज जब ये बच्चा यहाँ पे इतना तड़प रहा है तो उसकी माँ की क्या हालत होगी? आप भी तो एक माँ हो ना, तो दूसरे माँ से उसकी औलाद कैसे छीन सकती हो आप? रहम करो, दया करो माता रानी, इस बच्चे की जान बख्श दो, बचा लो इसे। आराम से संभाल के मैडम। सिस्टर, सिस्टर व्हीलचेयर लाओ, जल्दी लाओ। आप आराम से, आपके पैर में दर्द है मैडम जी, आप व्हीलचेयर पे बैठिए। आप आराम से बैठिए, आप बैठिए आराम। रूम में लेके चलिए। नहीं, मुझे रूम में नहीं जाना, यहाँ पे मंदिर होगा ना, मुझे मंदिर ले चलिए प्लीज। आपके आगे नहीं मैडम, आपके पैर में दर्द है, आपको रूम में आराम कीजिए, आप लेके चलिए आराम। नहीं, मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, ऐसे लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। नहीं, मेरा मन कहता है किसी अपने के साथ कुछ गलत हुआ है, प्लीज मुझे मंदिर ले चलिए प्लीज। नहीं मैम, आराम कीजिए, आपको चोट बहुत है। प्लीज मुझे मंदिर ले चलिए। अच्छा ठीक है। काव्या, तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? हाँ पता है, तुम भी यही चाहते हो ना कि मैं घर चले जाऊँ, आराम करूँ। तुम बताओ मैं कैसे आराम कर सकती हूँ? पापा ऑपरेशन थिएटर में है, वो ठीक नहीं है, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ राजवीर, तुम बताओ। काव्या मैं ये कहना चाहता था, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें कुछ और कहने आया। काव्या तुम थोड़ी थोड़ी मेरी माँ जैसी हो, पता है उन्हें भी लगता है दुनिया में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुरी वो या बुरी तुम नहीं हो, बुरे लोग हैं, बुरी चीजें वो लोग करते हैं। देखो काव्या, बैंक में गोली चली, वो गोली किसी को भी लग सकती थी, है ना? तुम्हारा उस बैंक में जाना तय था, उन गुंडों का वहां पर आना तय था। अगर तुम घर के बाहर निकलोगी तो कुछ भी बुरा हो सकता है, चांसेस है, लेकिन वो जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। और अगर तुम खुद ऐसा कहोगी तो उसके बदले लोग तुम्हें क्या क्या कहेंगे तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगी। मुझे पता है ना, मैंने अपनी माँ को ये सब कुछ सहते हुए देखा है, उन्हें कितना बुरा भला कहा लोगों ने, मैंने वो सब कुछ होते हुए देखा, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी माँ की तरफ बनो। मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ काव्या, लेकिन जो किस्मत मेरी माँ को मिली है ना, मैं नहीं चाहता वो किस्मत तुम्हें मिले। मेरी माँ बहुत अच्छी है काव्या, वो दुनिया की बेस्ट माँ, बेस्ट इंसान है, लेकिन उनके साथ जो कुछ भी हुआ ना वो बहुत बुरा हुआ, और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ भी हो। कौन है तुम्हारी माँ? नर्स, आपको ब्लड मिला? आपको कैसे पता चला हमारे हॉस्पिटल में ब्लड नहीं है? बस ऐसा लगा मुझे। सिस्टर, मैं अपने पापा को ब्लड दे सकती हूँ? या श्योर, आइए। हाँ पलकी, बोलो। माँ वो
जो बैंक रॉबरी हुई थी उसमें करण सर को गोली लग गई है। हम उन्हें यहाँ सिटी हॉस्पिटल लेकर आए, उनकी हालत बहुत खराब है मैम। हे भगवान, बैंक पर अटैक की न्यूज तो सुनी थी न्यूज चैनल पर। चाहिए बता कि करण सर ठीक हो जाएंगे ना? पता नहीं माँ, करण सर का इतना खून बह गया है, डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि वो बहुत क्रिटिकल है। पलकी तू चिंता मत कर बेटा, करण सर बहुत भले इंसान है, भगवान उन्हें कुछ नहीं होने देगा, वो ठीक हो जाएंगे। हाँ एक काम करती हूँ, मैं भी हॉस्पिटल आती हूँ। हाँ बेटा, तू रो रही है क्या? तू कब से इतनी इमोशनल हो गई उन लोगों के लिए, इतनी अटैच हो गई कि तेरे आंसू निकल आए बेटा? माँ करण सर की हालत इतनी खराब है, बानी दादी काव्या महेश सर सब इतने परेशान है, अगर हमारे बाबूजी होते तो हमारा क्या हाल हो रहा होता। माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, करण सर बहुत क्रिटिकल है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि उनकी हालत बहुत सीरियस है, फोन अरेंज करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे होगा सब। मैं समझती बेटा, लेकिन आज ना मुझे फक्र हो रहा है तुझ पर कि मैंने तेरी जैसी बेटी पैदा की जिसमें इतना अपनापन है, इतना लोगों के लिए फिक्र है, और तेरी वजह से आज मुझे अपने आप पर फक्र हो रहा है कि मैंने तुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आ रही हूँ हॉस्पिटल। हाँ माँ जल्दी आइए प्लीज। बस ऐसे ही पलकी और शनाया के दिल में लूथरा परिवार के लिए अपनापन बना रहे, और लूथरा परिवार के दिलों में मेरी दोनों बेटियों के लिए। फिर तो कोई चिंता ही नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब जल्दी से हॉस्पिटल जाती हूँ। शनाया थोड़ा सा पानी। हाँ जी मैं पी ले। करण को कुछ हो गया तो वो अटैक बहुत डेंजरस था, वहां पे वो गुंडे कैसे? हालत देख रही हो सबकी, तुम्हें लग रहा है ये बातें यहाँ पर करनी चाहिए? लेकिन ऋषभ, आई अंडरस्टैंड। यू डोंट अंडरस्टैंड, डोंट से व्हेन यू डोंट मीन इट। ऋषभ, दादी और महेश डैड वहाँ पे नहीं थे, तुम और मैं थे वहाँ पे, हमने देखा है वो गुंडे कितने डेंजरस थे, करण कैसे कैसे लड़ रहा था उनसे, वो करण को कैसे गोली लगी, कितना ज्यादा खून बहा है वहाँ पे, अगर करण को कुछ हो गया, नहीं हम करण को कुछ नहीं होने दे सकते हमें। निधि विल यू प्लीज शट। जो सही है वो कह रही है, बोलो ना कि क्या करना, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, करण को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, तुम बताओ क्या करना। डैडा मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, आप भी आप इमोशनली हर्ट हो है ना, आप इसलिए ऐसी बात कर रहे हो, मैं हूं ना यहाँ पर, अगर कुछ जरूरत होगी ना तो करण के लिए मैं करूंगा ना, मैं आपको बोल रहा हूँ ना डैड, आप क्यों चिंता कर रहे हो आप? आपको पता है मेरी ना माँ बोलती हैं कि जब लाइफ में सब कुछ खराब हो रहा हो, कुछ भी ठीक ना हो रहा हो ना, तब हमें सिर्फ भगवान पे विश्वास करना चाहिए, तब सब ठीक हो जाता है। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा अब दादू को लेके घर चले जाओ, थोड़ा जाके रेस्ट कर। पागल हो गया क्या? करण यहाँ पे इस हालत में, उसको छोड़ के चले जाए हम लोग यहाँ से? Stay in your limits, Shanaya. तुम लूथराज की बहू नहीं हो तो बनने की कोशिश मत करो। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आई मीन क्यों मेरे साथ हमेशा ऐसे बात करती हैं? और आपको क्या लगता है आप हमेशा मुझसे ऐसे बात करोगी और मैं हमेशा यू नो आपकी इन सारी बातों को एक्सेप्ट कर लूँगी? नहीं, ये जो आपका बिहेवियर है ना, आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसे बिहेव मत क्या करिए कि हमेशा ऐसा इल ट्रीटमेंट, आई जस्ट डोंट लाइक इट। अच्छा बोल लेती हो, कहाँ से सीखा? हाँ क्या तुम्हारे ये लोअर मिडिल क्लास माइंड में ना क्या चल रहा है, आई डोंट नो, बट जब भी तुम मेरे आसपास आती हो ना मुझे बहुत बैड वाइब्स आती है। आपको पता है क्या, मैं तो आपको हमेशा गुड वाइब्स ही देती हूँ, पर ये जो बैड वाइब्स है ना ये आपकी खुद की हैं, क्योंकि आप मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हैं।
सच तो ये है कि मैं आप ही की फैमिली का एक हिस्सा हूँ. प्लीज एक्सेप्ट दिस. यू बेटर एक्सेप्ट. Sure, it doesn't like you. Okay. Hello. Hello. हेलो शौर्य, आई एम सो सॉरी. मैं ना तुम्हें बहुत लेट फोन करी. मुझे ना तुम्हें बहुत जल्दी फोन कर देना चाहिए था. वो क्या है ना, तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है. प्लीज तुम जल्दी आ जाओ. मेरे डैड हॉस्पिटल में? हाँ, वो उन्हें बैंक के बाहर किसी ने गोली मार दी. व्हाट? डैड को गोली लगी है? मैं सो रहा था. मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है. क्या तुमको किसी ने नहीं बताया? मुझे लगा तुम्हें तुम्हारी नीदी मॉम ने पहले ही फोन करके बता दिया होगा. कोई बात नहीं, वो बेचारी बहुत बिजी रहती है ना. पर प्लीज तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हारी यहाँ पे बहुत जरूरत है. सॉरी. ओके ओके, काम डाउन. मुझे ये बताओ तुम लोग कौन से हॉस्पिटल में हो? हाँ, सिटी हॉस्पिटल. ओके, मैं अभी आया. तुमने सॉरी को भी कॉल किया? क्या कह रही थी आप? कि सॉरी मुझे नहीं चाहता. आप ना आज ही रात को देखेंगी कि उसे मेरी कितनी ज्यादा जरूरत है. और रही बात चाहने की कि वो मुझे कितना चाहता है. मिलते हैं. एक बार में कितने स्ट्रेस लेगी? ये चंगू मंगू को तो बाद में देख लेंगे आराम से. अभी तेरा एक ही फोकस है, प्रीता. सबसे पहले प्रीता को आउट करना है, फिर उसके बाद इन लोगों को तो धूप में से मक्खी की तरह ऐसे निकाल के बाहर फेंकूंगी ना, किसे पता भी नहीं चलेगा. सिस्टर, क्या हुआ? आप करण लूथरा की बेटी है? जी. आपका ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता. नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. मैं उनकी बेटी हूँ. नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप बच्चों से मैच करे. बट आपका मैच नहीं करता. आर यू श्योर? या. पापा को ब्लड की ज़रूरत है और मेरा ब्लड ग्रुप ही मैच नहीं करता. अब मैं क्या? पूरी करती. अब मेरी मामा को घर वापस ले आए पापा. ये तेरे डैड है ना, ये तुझसे ना बहुत प्यार करते हैं और तेरी खुशी के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग है. रो क्यों रही है? आपको तो पता है डैड क्यों रो रही हूँ. तुझे वो रोते हुए देखेगा तो उसको अच्छा लगे. पर वो कहाँ मुझे देख रहे हैं? वो तो आगे भी नहीं खोलते. इधर है मेरे साथ. समझे? लाइफ ना हमेशा आसान नहीं होती, कभी कभी थोड़ी सी मुश्किल भी होती. आज वो दिन है जब मुश्किल है.
जब ऐसा हो ना तो हमें स्ट्रांग हो जाना चाहिए, अपने दिल को थोड़ा सा स्ट्रांग कर लेना चाहिए। जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, कभी खुशी होगी तो कभी गम होगा, कभी उतार होगा तो कभी चढ़ाव होगा। तेरे पापा की लाइफ में भी तो आया ना, इसी भी हाल में हमें उम्मीद नहीं टूटने देने। He's a strong man. अगर हम साथ में है ना, अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो हमें कुछ होगा ही नहीं, हम हर तूफान से लड़ जाएंगे। लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। चल अब तू यहां से पहुंच, नाउ स्माइल फॉर हिम, ओके? मेरी हार तो हो गई ना, पापा को ब्लड की जरूरत है और मेरा ब्लड ग्रुप मैच ही नहीं होता। आप मुझे बताओ, पापा मुझे कम प्यार करते हैं ना, इसलिए ऐसा हुआ? ऐसे होता है क्या? कभी मेरा भी तो मैच नहीं करता तो मैं उससे कम प्यार करता हूँ या वो मुझसे कम प्यार करता है? पागल, ऐसे थोड़ी सोचते हैं। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हो सिर्फ उसी का ब्लड ग्रुप मैच हो, ऐसा तो नहीं है। सबसे ज्यादा प्यार तुझसे करता है। जब यहाँ से बाहर आएगा ना तो ऐसे करके तुझे गले लगा लेगा, पता है ना तुझे? उनको ब्लड की जरूरत है और हॉस्पिटल में ब्लड नहीं, उन्हें ब्लड नहीं मिलता, हम क्या करेंगे उन्हें? तुझे हो गया तो मैं क्या करूंगी? इस वक्त ना तू मेरा सपोर्ट बन। देखो मालूम है ना सबकी हालत क्या है, मैं चाहता हूँ कि इस वक्त तू मेरा सपोर्ट बन। तू इतनी मच्योर है ना, तू इतनी बड़ी हो गई ना, मैं ये बात शौर्य से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तू गुस्सा करता है ना हर बार, इस वक्त तू मेरा सपोर्ट बन, मेरे साथ खड़ी हो, ओके? देख मम्मा भी हॉस्पिटल में, उनके सीढ़ियों से गिर गई थी, उनके पैर में बहुत ज्यादा चोट है। बड़ी माँ कुछ नहीं, वो ठीक है। हाँ पर है वो, मैं उनसे मिलकर आती हूँ ना। मेरी बात सुन, वो ठीक है, तूने जाना है उनको मिलने के लिए, तू चली जाना। हाँ? रूम नंबर 9 में जाके तू मिल लेना, लेकिन उनको रॉबरी के बारे में, बैंक के बारे में ये सब कुछ नहीं पता। करण को क्या हुआ उनको नहीं मालूम है ना, उनको मत बताना खामा को, उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी, है ना? तू प्रॉमिस कर मुझे नहीं बताएगी। नहीं बताऊंगी। ये आंसू पहुंच के उनसे मिलने के लिए जाना, ठीक है? हाँ मैं उनसे मिल के आती हूँ। हे माता रानी, मेरे करण को बचा लो, मेरे करण को उसकी जिंदगी बख्श दो मां। नड़ा, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, आपको फोन भी किया, आप फोन नहीं उठा रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी मंदिर था, वहां पे क्यों नहीं पूजा कर लेते? मंदिर तो हॉस्पिटल में भी है, लेकिन वहां बच्चे भी है ना, माँ है, करीना है। बेटा मैं ना इस घर का पिलर हूं, इस घर की नींव हूं, छत हूं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार इस नींव को टूटता हुआ देखे, बिखरा हुआ देखे। मैंने जिंदगी में हमेशा अपने परिवार से एक ही बात कही है, निडर बनो, मुसीबतों का सामना करो। आज अगर उनके सामने मैं ही टूट जाऊंगा तो फिर उन्हें कौन संभालेगा? नहीं बेटा, अब मैं उनके सामने अपने आप को कमजोर साबित नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी तो बाप हूं ना यार, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझसे नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा है। क्या हुआ अगर नहीं हो रहा है तो? इंसान है और इंसान कमजोर पड़ते हैं डैड, पर आप ही तो कहते हैं ना, मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कभी कमजोर ही ना हो। मजबूत इंसान तो वो होता है ना जो कमजोर होने के बावजूद भी चलता रहे, और आप वो इंसान हैं डैड। आई एम हैप्पी एंड आई एम प्राउड दैट यू आर माय फादर। आप हमारा सपोर्ट सिस्टम है डैड, आपका हमारे साथ होना ही बहुत बड़ी बात है डैड।
निधि यहाँ क्यों बैठी हो और कहाँ गई थी तुम? बैंक गई थी, वहां मैंने देखा कि उस प्रीता का जादू आज भी करण पे कितना चलता है। क्या बोलना चाहती हो प्लीज? ये है ना, पहेलियों में बात मत करो, साफ साफ कहो बात क्या है। सीरियसली, जो आज तक फिल्मों में देखा था ना, वो मैं रियल लाइफ में देख के आ रही हूँ। वो इतने खतरनाक गुंडे, करण उनसे लड़ गया, फिनाले राउंड में उन गुंडों ने गोली चला दी, लेकिन करण का दिल और उस दिल में प्रीता के लिए प्यार बीच में आके फिल्मी हीरो की तरह खड़ा हो गया। वो गोली प्रीता के लिए थी, लेकिन गोली करण को लगी। आज करण की ये क्रिटिकल कंडीशन उस प्रीता की वजह से। करीना बुआ, ये देखिए, ये न्यूज पूरा इंडिया देख रहा है। प्रीता जब भी करण की लाइफ में आई है, सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई है। बुआ, डैडू और दादू कहाँ पर है? पापा को ब्लड की जरूरत है और पूरे हॉस्पिटल में उनका ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है। ये लोग बाहर भी ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है।